बहुत ही जल्द कलर्स टीवी पर आप सबको नजर आएगा आप सबका फेवरेट कलर्स टीवी का शो बिग बॉस 15। जी हाँ, बिग बॉस 15 की बहुत ही जल्द होने वाली है शुरुआत और ऐसे में बिग बॉस 15 को लेकर आई है एक नई अपडेट। बिग बॉस 15 का सीजन देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। जब से सलमान खान ने इस बात की अनाउंसमेंट की थी कि अब सेलिब्रिटीज के साथ कॉमनर्स भी इस शो का हिस्सा होंगे, तो ऐसे में सभी इस शो के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। बता दें कि इसी शो को लेकर अब एक नई अपडेट सामने आई है, जहां पर खबर ये है कि बहुत ही जल्द बिग बॉस 15 के सीजन में आप सबको दिखाया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े वो दो लोग जिनके बीच छिड़ेगी जंग और खुलेंगे सुशांत मामले से जुड़े कई राज। कौन है वो दो लोग जो लेंगे बिग बॉस 15 में एंट्री? देखिए रिपोर्ट। पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 15 को लेकर अब फाइनली एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल मेकर्स ने लिया है एक नया डिसीजन, क्योंकि आने वाले सीजन की कर दी है नए तरीके से तैयारी शुरू और ऐसे में इस शो को और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी से भरने के लिए और कंट्रोवर्शियल शो बनाने के लिए इस बार कुछ ऐसे कंटेस्टेंट को भी चुना गया है जो बीते साल काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरते नजर आए थे या फिर उनका चेहरा कंट्रोवर्शियल चेहरों में शामिल था। जी हाँ, आपको बता दें कि बिग बॉस 14 के फिनाले एपिसोड में सलमान खान शो से जुड़े कई खुलासे हुए थे। सलमान खान ने कहा था कि नेक्स्ट सीजन में कॉमनर्स भी शो का हिस्सा रहेंगे। इस बार शो में सेलिब्रिटीज के साथ कॉमनर्स का भी तड़का लगेगा। आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि इस बार कई पॉपुलर कॉन्ट्रोवर्शियल चेहरे भी शो का हिस्सा बनेंगे। दरअसल आने वाले सीजन को लेकर फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। खबरों की माने तो बिग बॉस 15 के लिए सुशांत सिंह राजपूत की रूमर्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती बिग बॉस 15 का हिस्सा होगी। खबरों की माने तो रिया चक्रवर्ती बिग बॉस 15 में बतौर कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करेगी। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती शो का हिस्सा बनती है, तो ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े कई खुलासे आपको देखने को मिलेंगे। माना तो ये भी जा रहा है कि शो के कंटेस्टेंट सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े सवाल भी पूछ सकते हैं रिया चक्रवर्ती से, जहां पर रिया चक्रवर्ती शो में आएगी। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती के आने से लोग बिग बॉस का सीजन 15 तो देखेंगे ही, लेकिन साथ ही रिया चक्रवर्ती किस तरीके से 3 महीने का वक्त वहां बिताती है, रिया चक्रवर्ती रियल लाइफ में कैसी है, उसका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, उसका सेलिब्रिटीज के साथ साथ कॉमनर्स के साथ व्यवहार कैसा है। आपको बता दें कि अगर बिग बॉस 15 में रिया चक्रवर्ती आती है तो इससे सिर्फ रिया चक्रवर्ती को फायदा नहीं होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के आने से रिया चक्रवर्ती की सच्चाई तो सामने आएगी ही, लेकिन साथ ही रिया चक्रवर्ती को यहाँ पर आकर काफी अच्छा पैसा भी मिलेगा और साथ ही रिया चक्रवर्ती को आगे काम करने का मौका भी मिलेगा, जहां पर उन्हें इस शो से निकलने के बाद काम दिया जाएगा। बता दें कि रिया चक्रवर्ती के साथ साथ यहां पर कलर्स टीवी के शो बिग बॉस 15 का भी काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है और ऐसे में अगर रिया चक्रवर्ती बिग बॉस 15 में आती है तो शो की TRP काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हर लोग इस शो को देखेंगे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती बीते साल सुशांत मामले से जुड़ी कंट्रोवर्सी में जुड़ी हुई थी और ऐसे में रिया चक्रवर्ती का ये सच सभी को काफी ज्यादा हैरान कर देगा और रिया चक्रवर्ती का सच जानने के लिए सभी लोग बिग बॉस 15 का हर एक सीजन देखेंगे बिना मिस किए, ताकि ये जान सके कि आखिर रिया चक्रवर्ती रियल लाइफ में कैसी है। क्योंकि जो इंसान एक्टिंग करता है वो 1 घंटे 2 दिन या हफ्ता भर कर सकता है, लेकिन 3 महीने कंटिन्यू कोई भी स्क्रीन या कैमरे के आगे एक्टिंग नहीं कर सकता और इतने सारे कैमरों के बीच कहीं ना कहीं से तो कोई सच सामने आएगा ही। लेकिन इससे भी ज्यादा चटपटी बात सामने ये आई है कि रिया चक्रवर्ती के साथ साथ बिग बॉस 15 सीजन के लिए सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को भी अप्रोच किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बता दे कि जहां पर अंकिता लोखंडे भी अगर इस शो में आई तो अंकिता लोखंडे से जुड़े भी कई सच सामने आएंगे फैंस के
और साथ ही अंकिता के जरिए सुशांत मामले पर कई बड़े खुलासे भी होंगे। ये बात तो आप जानते ही हैं कि जहां पर रिया चक्रवर्ती सुशांत को क्लॉस्ट्रोफोबिया बीमारी के चलते उसे डिप्रेशन में रहने की बात कर रही थी और साथ ही उसके डर की, तो ऐसे में अंकिता सामने आई थी और अंकिता ने खुद इस बात का जवाब देते हुए कहा था कि सुशांत क्लॉस्ट्रोफोबिया का शिकार नहीं था, वो खुद प्लेन उड़ाता था तो वो प्लेन में बैठने से आखिर कैसे डर सकता है। दोनों के बीच काफी जंग छिड़ी थी, दोनों ने जुबानी जंग के चलते एक दूसरे को एक्सपोज करने की कोशिश भी की थी। ऐसे में जब अंकिता और रिया फेस टू फेस एक दूसरे के आमने सामने होंगे बिग बॉस 15 में, तो कितना मजा आएगा शो को देखने का, ये बात तो आप सब जानते ही हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस 15 के मेकर्स ने सिर्फ रिया चक्रवर्ती अंकिता लोखंडे को नहीं बल्कि अनुषा डांडेकर, तारक मेहता के उल्टा चश्मा की दया बेन यानी कि दिशा वकानी को भी अप्रोच किया है, जहां पर सीधी और साफ बात यह है कि इस बार का बिग बॉस 15 मेकर्स काफी ज्यादा मजेदार करने वाले हैं, क्योंकि बीते साल बिग बॉस 14 की टीआरपी कुछ खास नहीं थी और ऐसे में सलमान भी उस शो की टीआरपी को देखकर काफी ज्यादा उदास हो गए थे और लोगों को बिग बॉस 15 देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं था जिसे देखने में किसी का इंटरेस्ट हो। लेकिन अब रिया और अंकिता अगर आएंगे बिग बॉस 15 में तो काफी ज्यादा मजा इस शो को देखने में आएगा और साथ ही शो की टीआरपी भी सातवें आसमान पर पहुंचेगी, जहां पर सिर्फ ये फायदा शो को नहीं बल्कि रिया और अंकिता को भी होगा, जहां पर रिया अंकिता की सच्चाई भी दुनिया वालों के सामने आएगी। रिया अंकिता रियल लाइफ में किस तरह रहती है वो सच लोगों के सामने आएगा, सुशांत केस से जुड़े भी खुलासे होंगे और साथ ही फेस टू फेस आमने सामने रिया और अंकिता के बीच जंग भी आपको देखने को मिलेगी सुशांत सिंह राजपूत मामले पर। तो यह है पूरी खबर रिया अंकिता को लेकर और बिग बॉस 15 में आने वाली उनकी एंट्री को लेकर। लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है बताना बिल्कुल ना भूले नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट एंड लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट जहां पर बिग बॉस 15 के सीजन को लेकर किया हमने खुलासा कॉमनर्स के साथ सेलिब्रिटीज की जंग, और ऐसे में इस जंग के बीच अगर मिल जाएंगी दो एक्ट्रेसेस अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती तो उनसे जुड़ी जंग भी सभी को काफी ज्यादा एंटरटेन करेगी और शो की टीआरपी भी काफी अच्छी होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कब तक के लिए गुड बाय।